अरे भाई, मुझे इसमें एक कमी लगी है जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हो। क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 110 सीसी के सेगमेंट में अगर एक बेस्ट बाइक की बात की जाए तो TVS की स्पोर्ट जो है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इस बाइक को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, लोग इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की वजह से और इसकी माइलेज की वजह से। तो भाई, इसकी परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी? इस बाइक को चलाकर ही पता लगेगी ना कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है। मैं इस बाइक की प्रॉपर राइड लेने वाला हूं, जिसमें मैं आपको अपना ऑनेस्टली जो भी एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ में रहेगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा। किन किन टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किए देता हूं। जैसे कि इस बाइक की ओवरऑल किस तरीके की परफॉर्मेंस है, इससे हाईवे राइड भी करूँगा, ट्रैफिक राइड भी करूँगा, सिटी में भी राइड करूँगा, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, इंजन से किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलती है और सेटिंग पोजीशन इसकी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, हैंडल पर वाइब्रेशन तो नहीं है, गियर अटकते हैं नहीं अटकते हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यदि आप भी अपने लिए 100cc 110cc के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आई हो तो टेक्निकल SST YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से 110cc के सेगमेंट की एक बेस्ट बाइक की राइड के साथ। आइए गाइस, अब इस बाइक की राइड लेते हैं। सबसे पहले तो मैं हेलमेट लगा लेता हूं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई भी टू व्हीलर चलाएं तो प्लीज़ हेलमेट लगाकर ही चलाएं। और एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको, हेलमेट को लॉक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। तो भाई, बाइक अपनी रेडी है। ये रही चाबी, दो चाबियाँ आती हैं, ये देखिए नॉर्मल चाबी है। सबसे पहले तो मैं इसके इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ। आप मेरी हाइट से अपनी हाइट का भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी हाइट जो है लगभग 5.6 इंचेस के आसपास है और मेरे दोनों पैर पूरे के पूरे आ रहे हैं। सिंगल प्रेस में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। आइए चलते हैं, टर्निंग रेडियस देखते हैं कितना मिलता है इसमें। यहाँ पर मैं इसको टर्न करता हूँ पहले तो। ओके, छोटी जगह में ये बाइक टर्न हो जाती है। भाई रोड पर आ गए हैं। ओ भाई, इनिशियल देखो भाई इसका कितना जबरदस्त है। ओ भाई गजब। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको SBT मिलता है। इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से जैसे रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे फ्रंट वाला ब्रेक जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। गजब ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है। दोनों व्हील्स में आपको 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको इस बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक के सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। इस बाइक में आपको 109.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4-stroke 2-valve इंजन मिलता है। सीटिंग की अगर बात की जाए तो इस बाइक की जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। हैंडलिंग की अगर बात की जाए तो भाई इसका जो हैंडल है वो मुझे थोड़ा सा लाइट वेट लगा है, इसमें थोड़ा सा वेट और होना चाहिए था। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी मुझे थोड़ा सा ऑड लगा है बाकी के बाइक के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो हैंडल है अपनी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। आइए देखते हैं इससे ट्रैफिक राइड कैसी रहती है। जैसे आप थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं, यहाँ पर एक पावर का इंडिकेटर दिया हुआ है, वैसे ही वो ब्लिंक करने लगता है जैसे आप थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं। ये देखिए, आइए इधर से टर्न लेते हैं। हैंडल इसका काफ़ी लाइट वेट है, इससे हैंडलिंग वगैरह करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैफिक में ये बाइक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। हॉर्न ज़्यादा नहीं दूंगा भाइयों, बोलते हैं कि हॉर्न ज़्यादा देते हो आप। चलो भाई, इस बाइक में आपको 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। पैटर्न है ऑल अप, यानी कि गियर जो है सभी के सभी पीछे की तरफ लगते हैं। ये देखिए, इस बाइक का इनिशियल काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये बाइक जो है मिड में आके थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा स्ट्रगल करती है, उसके बाद में फिर से अपनी फॉर्म पर आ जाती है।
इसके ORVM की प्लेसमेंट जो है काफ़ी सही है और इसके जो ORVM है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, पीछे का आराम से क्लियर दिखाई देता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इधर सड़कें थोड़ी गीली हैं, आराम से ही चलाऊंगा मैं। बारिश का मौसम तो नहीं है लेकिन वेदर ऐसा है कि बारिश हो रही है। जब भी मैं बाइक का राइड रिव्यू देता हूं तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका मीटर नहीं चल रहा है, क्या मीटर ख़राब है? नहीं भाई, मीटर ख़राब नहीं है, इसका कनेक्शन हटा देते हैं। क्यों? वो आप सभी को पता है, आप सभी समझदार हैं। अरे भाई इधर तो ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो फाइनली अपना हाईवे आ गया, इनिशियल इसका काफ़ी अच्छा है। बेहतर, गुड। अरे भाई मुझे इसमें एक कमी लगी है जिसकी वजह से आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हो। क्या? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई इस बाइक में वाइब्रेशन है, ठीक है, इस बाइक में वाइब्रेशन है, हैंडल पर भी फील हो रहा है और पैरों पर भी फील हो रहा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप इस बाइक से मैक्सिमम 70+ तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। सस्पेंशन से तो कोई भी शिकायत नहीं है यार, सड़क गीली है इस वजह से मैं इसका टॉप एंड चेक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। फिर कभी और मैं आपको दिखाऊंगा। सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बाइक को लेके भी और ख़ुद को लेके भी, और आपको भी नहीं करना चाहिए ऐसा। इस बाइक में आपको 175 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। आराम से ये बाइक जो है गड्ढों वगैरह में से निकल जाएगी। अच्छा, क्लच की अगर बात की जाए तो इसका क्लच जो है ना तो ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट है, ठीक है, एकदम से परफेक्ट है। बटन्स की जो प्लेसमेंट है काफ़ी बेहतर है, इजी टू एक्सेस है, यानी कि आराम से आप इसको इजी टू यूज़ कर सकते हो। इसके लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड एक फास्टिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, राइट हैंड इंडिकेटर स्विच मिलता है, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है, और इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। ये बाइक जो है टोटल 2 वेरिएंट्स में आती है, आप इस बाइक को किक स्टार्ट में भी ले सकते हो और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में भी ले सकते हो। प्राइस की अगर बात की जाए तो किक स्टार्ट में यह बाइक ऑनडो लगभग आपको 68,000 यानी कि 68,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और अगर इसके सेल्फ स्टार्ट की बात की जाए तो यह बाइक ऑनडो लगभग आपको 78,000 यानी कि 78,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है। यदि आपका बजट बहुत ही कम है और आपको एक माइलेज वाली बाइक चाहिए, ठीक है, तो ये बाइक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूँ, जैसे कि इस बाइक में आपको वाइब्रेशन मिलते हैं हैंडल पर भी और पैरों पर भी। इस बाइक का जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ट्रैफिक में जब भी आप स्लो स्पीड पर होते हैं और टर्न देते हैं, टर्न लेते हैं, तो उसमें ये एकदम से परफेक्ट है, लेकिन जब आप हाई स्पीड पर होते हैं फिर एक टर्न लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम वाला है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सभी के थॉट इसमें अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके गियर अटकते नहीं अटकते। नहीं भाई, इस बाइक के गियर जो हैं बिल्कुल भी नहीं अटकते हैं। इस बाइक की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है। इसका टैंक जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ये देखिए बहुत ही छोटा सा लगता है, जबकि इस टैंक में आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसमें आपको एक और कॉन मिलता है, इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है, तो इसकी वजह से नाइट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी को अब इसको अपडेट कर देना चाहिए भाई, LED में दे देना चाहिए। इस बाइक का मैंने टॉप एंड चेक नहीं किया भाई, क्योंकि हाईवे जो है बहुत ज़्यादा गीला था, ठीक है, तो सेफ्टी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं। इधर देखिए, इधर बिल्कुल भी सड़क गीली नहीं है और हाईवे पूरा गीला पड़ा है। आइए गाइस, अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा नीलम TVS को, जिन्होंने ये बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है।
इनका ये TVS का शोरूम उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में मैन सिटी इटावा में अवेलेबल है। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर TVS की सभी बाइक्स ऑल टाइम अवेलेबल रहती हैं। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, यह आपको जल्द से जल्द अवेलेबल भी करा देंगे। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप ज़रूर बताएं कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं, हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक से कई किलोमीटर की राइड कर ली है। आइए अब मैं आपके साथ में अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हेलमेट निकाल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक की कई किलोमीटर की राइड कर ली है, जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो मैंने आपके साथ में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आइए अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। गाइस ये बाइक जो है ओवरऑल काफ़ी बेहतर बाइक है, इस बाइक से आपको काफ़ी अच्छी माइलेज मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है। ये बाइक जो है थोड़ा सा मिड में थोड़ा सा ही स्ट्रगल करती है। टॉप एंड की अगर बात की जाए तो भाई ये बाइक जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। वाइब्रेशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में ना के बराबर वाइब्रेशन है। गियर अटकते नहीं अटकते वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं भाई इसमें गियर जो है नहीं अटकते हैं। यदि आप इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस बाइक का डेडिकेटेड एक वॉकराउंड किया है, जिसमें मैंने आपको उस वीडियो में इसके सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बाइक जो है 100% रिकमेंड करता हूँ। लेकिन भाई इस बाइक को खरीदने से पहले इस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में जान लीजिएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।